जुमा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट के अध्यक्ष शोएब खतीब एक अन्य ट्रस्टी हसीब अजीम किरकिरे के साथ शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। मस्जिद ट्रस्ट के कार्यालय में भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार और हैदर आजम, संजय उपाध्याय, अतुल शाह और राज पुरोहित जैसे पार्टी नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने अपने हाथों से उन्हें भाजपा की शाल पहनाकर उनका स्वागत किया। आशीष शेलार ने इसकी पुष्टि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाली है, लेकिन जुमा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट के अध्यक्ष शोएब खतीब ने इससे खारिज किया। वह किसी पार्टी ज्वाइन नहीं किए, उन्हें लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैं तमाम लोगों से ये चीज वजाहत करना चाहता हूँ कि कल जो हमारे मुल्क के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो आशीष शेलार साहब और दूसरे बीजेपी के लोग आए थे मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद में, और उनको काफी मस्जिद की विजिट करने का के लिए आए थे। मस्जिद विजिट करने के बाद में उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उस चीज का ऐलान किया है, लेकिन जामा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जाती तौर पर शोएब खतीब और हसीब किरकिरे और वसीम बाशे के लिए उन्होंने कहा था, और अभी तक के कहीं भी ऑफिशियली कोई चीज़ का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। और ये जो रूमर फैल रहे हैं, ये बिल्कुल कौम को बदनाम करने की साजिश और कोशिश की जा रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दे और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे को फितनों से हमारी हिफाजत करे। जजाकल्लाह खैर।